लेकिन ये शय क्या होती है इसे जाना यहाँ आकर। मम्मी ने खुदा मालूम अपनी बीन पर कौन सा राग बजाकर उस नागिन को बाहर निकाला है। मम्मी इज ग्रेट, मम्मी इज जिंदाबाद। आमतौर पर माशूक के बाल सिया होते हैं, जिन्हें अपनी आसानी के लिए काली घटा वगैरह कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। उसके बाल चांदी के तारों जैसे हैं, चांदी का रंग भी नहीं कहा जा सकता। मालूम नहीं प्लैटिनम का रंग कैसा होता है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। कुछ अजीब सा रंग है पीलस के बालों का। पोलाद और चांदी को मिला दिया जाए तो थोड़ी सी 3x रंग मिला दी जाए, खुदा की कसम लाजवाब रंग है वो। तुमने देखा है जो मछलियों के पेट पर होता है? नहीं नहीं, मछली के पूरे जिस्म पर होता है। पैम्फ्रेट मछली? नहीं नहीं, सांपों के नन्हे नन्हे खपरे। हाँ खपरे, बस उनका रंग, बस उसी का रंग। खपरे, इतनी खूबसूरत चीज और इतना वाहियत ना। पंजाबी में इन्हें चाने कहते हैं। चाने में चनचनाहट है, वही बिल्कुल वही जो पीलस के बालों में है। उसकी लटे नन्नी नन्नी सपोलिया मालूम होती है, जो लोट लगा रही हो। सपोलियों की ऐसी की तैसी, लगता है मैं जज्बाती हो रहा हूँ। सेंटिमेंटल, लेकिन साला तू क्या समझेगा। ये साला चड्डा समझता है, मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूँ। ए मैं मैट्रिकुलेट हूँ, मैट्रिकुलेट। साला साला मेरा बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने तेरा बाप तुझसे बहुत मोहब्बत करता था तो मुझ पर क्या एहसान कर दिया? तेरे बाप ने तुझे मैट्रिकुलेट बना दिया तो क्या मैं अपनी बीए की डिग्री फाड़ डालू? साला एक पैर अंदर गई नहीं, ये बाप और फरिश्ते में फर्क करना भूल जाता है। यार ये मम्मी अब तक क्यों नहीं आई? अबे तेरा ही इंतजाम करने गई है, उसने तो आज की पार्टी कैंसिल कर दी थी। तेरा दोस्त बाहर से आया है तो उसके साथ बिजी होएगा, पर जब अपन बोला तेरा दोस्त भी इधर ही चुमरेगा, और अगर पार्टी नहीं हुआ तो चड्डे को दिल की बीमारी हो जाने का। तो मम्मी निकल गया सबको बुलाने वास्ते। अरे तू तो उसका सबसे नालायक मम्मी जिंदाबाद। यार चड्डा, हाँ एक बात समझ में नहीं आती। क्या? सुबह इस मम्मी को देखा, मैं तब से यही सोच रहा हूं कि वो इस उम्र में इतने शौक मेकअप क्यों करती है। मम्मी इतने शौक मेकअप क्यों करती है? इसीलिए कि ये दुनिया हर शौक चीज को पसंद करती है। तुम्हारे और मेरे जैसे उल्लू जो दुनिया में बहुत कम बसते हैं, जो मध्यम रंग पसंद करते हैं, जो जवानी को बचपन के रूप में नहीं देखना चाहते, जो बुढ़ापे पर जवानी का मुलम्मा पसंद नहीं करते, हम सब जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं उल्लू के पट्टे हैं। हम सब चुगत है दरमियाना दर्जे के, इसीलिए कि दुनिया में कोई चीज अव्वल दर्जे की नहीं, तीसरे दर्जे की है या दरमियाना दर्जे की।
लेकिन फिलस फिलस खास खास दर्जे की है, वो सांप के खपरे। यार ये मम्मी गा रहे है। Your mommy is here, my poor son. Thank you.
रहा है, इसका इलाज ही नहीं होगा। डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है। नहीं, घबराने की तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको आराम की बहुत जरूरत है। बहुत आराम की। इनकी फैमिली कहाँ है? फैमिली हम ही है इसकी फैमिली। अगर इनका पूरा ख्याल नहीं रखा गया तो मुश्किल हो सकती है, इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अगर यहाँ मुमकिन नहीं तो इन्हें अस्पताल ले आए, लेकिन इनको पूरा आराम मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, इसे उठाओ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ, वहीं होगा इसका इलाज। मन को तेरे रिक्शा लेके आओ। चड्ढा, यू आर ए डैम ब्रूट। डोंट टॉक रॉट। नहीं मम्मी, मुझे कह लेने दो। उस रात सांप के खपरों जैसे रंगों वाली बालों की एक लड़की के लिए मैंने अपनी मम्मी को नाराज कर दिया था। मैं खुद को न जाने कहां का डॉन वॉन समझता था, लेकिन नहीं, उस प्लैटिनम ब्लॉन्ड के कुवारेपन का सारा अर्क अपने ही मोटे मोटे ओटों से चूस सकता था बस एक बोसे में, लेकिन नहीं, ये नामुनासिब हरकत होती। वो कम उम्र थी, इतनी कमजोर, बताओ यार उसे अरबी फारसी में क्या कहते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इतनी छोटी, इतनी कमजोर थी कि उस रात मेरे साथ सोकर या तो सारी उम्र पछताती रहती या सब कुछ भूल जाती। उन चंद घड़ियों की लज्जत की याद के सहारे जीने का सलीका उसे हरगिज ना आता, और मुझे इसका और दुख होता। अच्छा ही हुआ मम्मी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने असल में एक लंबी चौड़ी तकरीर करने का इरादा किया था, मगर मैं एक पैग और पीता हूं। गा यार, कुछ गा। वतन बदल हो हम तुम, दे गली गली सदाए करे रुख नगर नगर का, करे रुख नगर नगर का, के सुराग कोई पाए किसी यारे को ना। हर एक अज नबी से पूछे जो पता था अपने घर का, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मम्मी जा रही है। मम्मी जा रही है,
मगर क्यों मालूम नहीं, आज इस शहर में उसकी आखिरी रात है। मगर क्यों? हुकूमत को उसका तौर तरीका पसंद नहीं। उसके घर सजने वाली महफिलें काबिले एतराज थी। एक अरसे से उसका केस चल रहा था, पुलिस छानबीन कर रही थी, हुकूमत को भी पुलिस की बातों पर यकीन हो गया और मम्मी को तड़ी पार कर दिया गया और मम्मी शहर बदर कर दी गई। लेकिन तुम ही बताओ, अगर मम्मी रंडी है, अगर मम्मी तलाला है, अगर उसका वजूद इस सोसाइटी के लिए खतरनाक है तो उसका खात्मा कर देना चाहिए ना। इस शहर की गलाजत को ये क्यों कहा गया कि तुम यहां से चली जाओ और किसी और जगह जाकर ढेर हो जाओ। इस गलाजत के साथ एक ऐसी पाकिजगी भी चली जाएगी जिसके तमाचे ने उस रात मेरी रूह की सारी गंदगी को धो डाला था। लेकिन मुझे रोना नहीं चाहिए, वो यहां से चली जाएगी, मुझ जैसे लोगों में वैसी गंदगी जहां कहीं पैदा होगी वहां मम्मी फिर अपना घर बनाएगी। मैं अपनी मम्मी उन लोगों के हवाले करता हूं। थोड़ी देर मम्मी के पास बैठते हैं। Thank you.